फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो एक तरीके का एक ये फंक्शन है जो क्या शो करता है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द एनर्जी लेवल। तो मैं कहता हूँ कि क्या है ये, एक बार फिर से डिफाइन कर देते हैं। एक्सप्रेशन दैट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द एनर्जी लेवल एज अ फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी FE। ठीक है, ये एक तरीके का फंक्शन है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में। इसे रिप्रेजेंट जो किया जाता है FE इज इक्वल्स टू 1/(e−EF/kT)। इससे डिनोट किया जाता है आपका फर्मी डायरेक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, दैट इज FE इज इक्वल्स टू 1/(e−EF/kT)। यहाँ पे E जो है यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल है, EF यहाँ पे क्या है आपका फर्मी एनर्जी है, K यहाँ पे आपका बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका ये अलग अलग एनर्जी के लेवल्स हैं। तो जो फर्मी है, पहले तो आपको ये समझना होगा कि फर्मी एनर्जी क्या होता है। फर्मी एनर्जी क्या है आपका, वो एनर्जी लेवल है, वो फर्मी लेवल इज द हाइएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर मैं और सिंपल तरीके से बताऊं कि फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का आपके हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे पाए जाते हैं। मतलब आप ये देख रहे होंगे इससे ऊपर क्या हुआ, कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, तो ये वो हाईएस्ट एनर्जी जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो वो आपका कहलाता है आपका फर्मी एनर्जी लेवल। तो आपका पूरा तक है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, पूरा तक आपका आगे तक आपका एनर्जी लेवल। बट फर्मी लेवल वो होता है जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हैं। मतलब इससे ऊपर अगर जा रहे हैं एनर्जी लेवल तो है, बट एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके नीचे आप हैं, बट यहाँ पे क्या हो, हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑक्यूपाई हो रहे हैं, उसको कहा गया फर्मी एनर्जी लेवल। ठीक है, उसके बाद कुछ केसेस आते हैं यहाँ पे। केस वन है जो हम पढ़ेंगे आके, तीन केसेस आते हैं इसमें। पहला केस जो है यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्या लिया गया है, 0 केल्विन। जो फर्मी एनर्जी है वो एक और चीज़ है, उसमें बताया जाता है कि हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला केस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टी इज गज टू जीरो केल्विन पे इस फॉर्मूले में हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ई इज लेस देन ई एफ एंड ई माइनस ई एफ इज नेगेटिव। हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने क्या किया, टेम्परेचर हमने ले लिया 0 केल्विन, ई की वैल्यू क्या ले ली, लेस देन ई एफ। इसका मतलब क्या हो गया, ई एफ की वैल्यू बड़ी है, मतलब इससे नीचे की बात कर रहे हैं, यहाँ से नीचे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ई माइनस ई एफ की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, नेगेटिव। ठीक, अब हमने इस फॉर्मूले में हमने इसे अप्लाई किया एफ इज टू वन अपन वन प्लस ई की पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी। यहाँ पे क्या हो, ई माइनस ई एफ क्या हो गया, पूरे टाइम क्या हो गया, निगेटिव। टी हमने मान लिया 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरी टाइम जो आ गई एफ इज टू वन अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस का इन्फिनिटी। ठीक है, 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर माइनस था, तो क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी। ये क्या आएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी से अभी 1/ e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 = 1। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि Fe इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 1। मतलब कहाँ पे 1 होगी, बिलो EF, मतलब फर्मी लेवल से नीचे क्या हो रहा है, आपके सारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं। और इसके ऊपर क्या होगा अभी हम देखेंगे, दूसरा केस कि यहाँ पे टेम्परेचर, सेकेंड केस में हमने क्या किया, सेकेंड केस टी टेम्परेचर 0 केल्विन ही लिया हमने, ई की वैल्यू क्या लिया हमने, ई इज ग्रेटर देन ई एफ। अब हम बात करें ई इज ग्रेटर देन ई एफ की, मतलब क्या हुआ, ई एफ से ऊपर की बात कर रहे हैं, एंड ई माइनस ई एफ इज पॉजिटिव। उस केस में क्या हो जाएगा, जब ई बड़ा है ई एफ से, तो क्या, ई माइनस ई एफ इज पॉजिटिव। उस केस में क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 + ई की पावर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगी। इस फॉर्म में लिखेंगे आप ई माइनस ई एफ क्या हो गया, पॉजिटिव, ये टी 0 यहाँ पर क्या होगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी टर्म आ जाएगी आपकी 0। तो उस केस में यहाँ एफ ई की वैल्यू क्या आ रही है, 0। इसका मतलब क्या है, एफ ई इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 अबव फर्मी लेवल। तो इससे ऊपर आप कहीं भी किसी भी एनर्जी लेवल में देखोगे तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्यूपाई नहीं है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आपकी क्या है यहाँ पे, एकदम 0। ठीक है, केस थ्री जो आता है आपका यहाँ पे, केस थ्री में क्या है हमने लिया है कि अगर हमने टेम्परेचर हाई कर दिया, मान लो टेम्परेचर मान लिया हमने 300 केल्विन,
टेम्परेचर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या देखेंगे हम, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस फर्मी एनर्जी लेवल तक, अब इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो अब क्या होगा कि जो ईएफ से पहले की जो से जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो पहले के मुकाबले अब क्या हो रहा, अब इससे ऊपर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और इससे नीचे जो है प्रोबेबिलिटी कुछ कम हो जाएगी। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक चीज और ले ली यहाँ पे, इस केस में हमें T इज गज टू 300 केल्विन, केस थ्री, T इज गज टू 300 केल्विन एंड E इज गज टू ई एफ ले रहे हैं, E इज गज टू ई एफ, देन E माइनस ई एफ क्या हो जाए यहाँ पे इज जीरो। अगर E माइनस ई एफ जीरो हो जाएगा तो F इज गज टू यहाँ पे क्या हो जाएगा वन, क्योंकि ये पूरे जीरो हो गए, टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे 300 केल्विन, तो क्या होगी वन प्लस ई की पावर जीरो क्या हो गया वन, तो वन प्लस वन इज गज टू टू एंड देन इट इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे जो आएगा एफ ई की वैल्यू आ रही है आपकी 0.5। तो मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया या टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर रखते हैं और अगर ई इज इक्वल्स टू ई एफ पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या आएगी 0.5, हाफ आएगी। ये केस थ्री था। थर्ड हम जब देखेंगे यहाँ पे एक चीज देख सकते हो यहाँ पे कि अगर टेम्परेचर क्या है यहाँ पे, ये अपने डायग्राम है आपका ये, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये एनर्जी लेवल है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक, अब आप देख सकते हो कि E इक्वल्स टू ई एफ, जो हमने केस वन था, केस वन में क्या था, ई एफ तक अगर हम जा रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या है हमारी वन। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑलवेज क्या आ रही है वैल्यू वन। ई एफ से जैसे ही आप जा रहे हो केस टू में ऊपर के, ई एफ से ऊपर आप जा रहे थे क्या हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या थे जीरो। अब यहाँ पे देख रहे थे ई एफ से नीचे जब भी जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल थे हमारे, इसलिए प्रोबेबिलिटी वन थी। ई एफ से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी क्या और फाइनल इलेक्ट्रॉन क्या है जीरो। तो ई एफ से जैसे ही हम इस केस में जा रहे हो आगे जा रहे हो तो क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू जीरो हो गई एफ ई की। एफ ई का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट केस क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या होगा कि ये जो चीज आप देख रहे हैं इस तरीके से, मान टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो ये आएगा, इस ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा यहां पे E इज गज टू ई एफ, E इज गज टू ई एफ पे क्या हो रही, प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी आपकी वन, जब आपका टेम्परेचर क्या हो गया लगभग 300 केल्विन। यहां पे हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया तो क्या देखा हमने यहां पे कि भाई टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ा दी तो क्या हो गया यहाँ पे E इज गज टू ई एफ, प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपकी 0.5। ठीक, एंड और आप क्या देखोगे यहाँ पे E से ई एफ से जैसे हम आगे जा रहे हैं तो भी यहाँ पे क्या है, कुछ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपकी आ रही है, और इससे कम में क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो रही है वन से कम आ रही है। तो मैंने ये आपको बताया था कि जैसे हमने क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आपके हाई एनर्जी स्टेट में चले गए, तो क्या हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले के मुकाबले कम हो गई, तो प्रोबेबिलिटी भी कम हो गई और इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, पहले जीरो थी और अब क्या हो गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब पहले के मुकाबले तुम देखोगे तो जीरो नहीं रही। ठीक, तो ये था आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो या कोई भी आपको क्वेश्चन करना है तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।